Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome back to my official YouTube channel, Ginger Sports YouTube channel. You're watching, and in this show we're gonna talk about two things, or maybe three things. मतलब टॉपिक एक ही है लेकिन उसके सब टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले मोहम्मद आमिर ने एक जबरदस्त बॉलिंग की स्पेल की है, लेकिन रुको जरा, सबर करो यार, बताऊंगा ना मैं टीम में आए हैं या नहीं, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। फिर नंबर टू के ऊपर बात करेंगे, शोएब मलिक एंड सरफराज अहमद कैन दे कम बैक टू पाकिस्तान टीम एज वेल, दैट वी गोना डिस्कस इन दिस वीडियो। तो डू स्टे ट्यून्ड टू द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो के अंदर काफी ज्यादा मजा आने वाला है। अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें यार, सब्सक्राइब करो, और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे, 100 लोग देखते हैं, 100 के 100 जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे। इंस्टाग्राम आईडी अगर आपने लेटेस्ट स्पोर्ट्स की न्यूज जाननी है तो @ आप लिखेंगे स्पोर्ट्स जिंजर, आपको मिल जाएगी। अदरवाइज आप लिखें आई एम शोएब 27 तो आपको मेरी मिल जाएगी। तो यू कैन फॉलो बोथ एज वेल, आपको लेटेस्ट न्यूज मिलेंगी। हो सुना कम ऑन द फर्स्ट थिंग जो कि है भाई, यहाँ पर मोहम्मद आमिर ने कल CPL के अंदर सबसे इकोनॉमिकल बॉलिंग की, मतलब आज ही CPL के अंदर रात को सुबह सुबह मैच खत्म होता है तो साथ ही में वीडियो बना रहा हूँ, तो बहुत इकोनॉमिकल किस्म की बॉलिंग हमें मोहम्मद आमिर की जानब से देखने को मिली। आमिर ने यहाँ पर 4 ओवर करवाया, उसमें 20 रन देके 1 विकेट लिए, विकेट लिए के लिए, लेकिन इकोनॉमिकल रहे और सबसे इकोनॉमिकल बॉलर रहे, जहाँ पे टीम को 175 पर है, आमिर ने सिर्फ 20 रन खाए, विकेट एक ली, टीम ने 5 आउट किए, उसमें से 1 विकेट लिए। ओवरऑल अच्छी बॉलिंग की मोहम्मद आमिर ने, एंड मानना पड़ेगा इसको ऑनलाइन ऑन लेंथ की दी 100 टूर्नामेंट से काफ़ी बेहतर बॉलिंग मोहम्मद आमिर की जानब से देखने को मिली, लेकिन ये एक मैच था। अगर आमिर ऐसे कंटिन्यू करते हैं, मतलब पूरी CPL में ऐसी बॉलिंग करवाते हैं, पूरी CPL यू नो पूरी, तो आमिर पाकिस्तान टीम के अंदर आ सकते हैं फॉर द वर्ल्ड कप, फॉर द वर्ल्ड कप ही कैन, बट अदरवाइज मुश्किल है, अदरवाइज काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि अदरवाइज मुझे नजर नहीं आ रहा है। अगर आप मेरे से पर्सनली पूछे तो मेरा ओपिनियन आमिर के बारे में जो रहा है वो आपको पता है, बट इफ ही परफॉर्म्स देन ही इज एक्चुअली यू नो कंसिडरेबल, फिर उनको कंसिडर करना चाहिए, बट इफ ही इजंट परफॉर्मिंग दैट वे, क्योंकि जैसे भी उन्होंने परफॉर्म एक मैच में किया, एक मैच में तो नसीम शाह भी परफॉर्म कर दें, तो ही नीड्स कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी के साथ 20-20 रन दें, एक आउट करें, दैट्स टोटली फाइन, वी नीड अ बॉलर लाइक हिम, अवे बेटर देन हारिस रऊफ एटलीस्ट। So yeah, that's my opinion on that. उसके अलावा जो शोएब मलिक और साथ में सरफराज अहमद की कमबैक T20 वर्ल्ड कप के लिए, तो अब सब कुछ खत्म हो चुका है। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया था कि 10 सितंबर आप जाके देख सकते हैं, 10 सितंबर को आपको पाकिस्तान को जो भी कंट्री है उसको वर्ल्ड कप T20 के लिए अपनी स्क्वाड दे देनी है ICC को, ठीक है जी, ICC को स्क्वाड सबमिट करवा देनी है। और अब इस वक्त 2 टीम्स ने ऑफिशियली स्क्वाड अनाउंस कर दी है, पाकिस्तान की जो स्क्वाड है वो 10 सितंबर से पहले अनाउंस हो जाएगी, यानी कि अब से कोई 13 दिन के अंदर कभी भी स्क्वाड अनाउंस हो सकती है, मोस्ट प्रोबेबली 5 या 6 सितंबर को पाकिस्तान की स्क्वाड अनाउंस होगी, इसमें न्यूजीलैंड सीरीज की स्क्वाड भी होगी और साथ ही साथ आपकी वर्ल्ड कप की स्क्वाड भी होगी, 4-5 सितंबर तक जो अंदाजन है वो तब तक स्क्वाड पाकिस्तान की अनाउंस हो जाएगी। उसके लिए मीटिंग शुरू हो चुकी है, और मीटिंग शुरू हो चुकी है पाकिस्तान के स्क्वाड के लिए, वर्ल्ड कप के लिए तो 15 मेंबर स्क्वाड होगी, बट इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के टूर के लिए 18 मेंबर स्क्वाड होगी पाकिस्तान की, तो वो अब मीटिंग शुरू हो चुकी है। और जो छोटी मोटी खबरें आ रही हैं, शायद शोएब मलिक या सरफराज अहमद में से एक को वर्ल्ड कप की टीम के अंदर रखा जाएगा, आमिर के बारे में अभी कंसिडरेशन नहीं आ रही, क्योंकि अब आमिर ने अगर परफॉर्म करना है तो अगले 7 से 8 दिन आमिर के पास, इनमें जितने मैचेस हैं उसमें फुल हाई क्लास परफॉर्मेंस आमिर को देनी पड़ेगी, उसके बाद साथ ही अपनी रिटायरमेंट वापस लेनी पड़ेगी, तो मोहम्मद आमिर कंसिडरेबल हो सकते हैं, काफ़ी मुश्किल है, लेकिन सरफराज और शोएब मलिक में से एक शायद हो कंसिडर, आजम खान शायद हो जाए, और हैदर अली में इन दोनों में से भी एक होगा, शोएब मकसूद प्रॉबेबली हो सकते हैं, शोएब मकसूद या आसिफ अली में से भी एक होगा, बाकी रिजवान बाबर तो कंफर्म है, मोहम्मद हफीज भी कंफर्म है, तो ये पाकिस्तान की स्क्वाड नजर आ रही है। आई होप आपको ये वीडियो आई होगी पसंद, वीडियो आई है पसंद तो चैनल को जल्दी से कर दे सब्सक्राइब, वीडियो को करें लाइक, और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब आपसे मिलूंगा अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना।